हिमाचल प्रदेश में फोरलेन विस्थापितों के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा, वह इस मसले पर राजनीति नहीं कर रही बल्कि लोगों का साथ दे रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, कांग्रेस को क्या करना है और क्या बोलना है इसके लिए वन मंत्री की इजाजत नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, फोरलेन प्रभावित लोग पिछले 3 वर्षों से मंत्री के पास जा रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। ये इनकी पुरानी आदत है कि हर चीज पे झूठ बोलना। हम कांग्रेस वाले जो हैं, ये फोर लेन के मसले के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जो हम हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, कि हमें ये इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई, हमने आपसे नसीहत लेनी है, हमने क्या बोलना है? आप कोई डिक्टेटर हो कि हमें बताओगे हम क्या बोलेंगे? हम लोगों की, अगर हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमें लोगों की आवाज उठानी ही है। और ये तकरीबन 3 साल हो गया हमें उनकी आवाज उठाते, और जहां तक आप हो, सत्ता में बैठे हुए हो, तो आप, जब आपको मालूम है कि सारी समस्याएं इनकी क्या है, तो आपको वो इनका हल निकालना चाहिए था। हमने तो अपना लोक धर्म निभाया, पर आपने अपना राजधर्म नहीं निभाया। वन मंत्री ने कहा है कि यह परियोजना कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, तो आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? वन मंत्री अपने अलग अलग क्षेत्रों में इतने मसूफ हैं कि उनको पता ही नहीं कि यह कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 9 मार्च 2018 को पहली बारी 3A की नोटिफिकेशन हुई, तब MLA कौन था? राकेश पठानिया। 2020 में पहली बार नोटिफिकेशन, जो अवार्ड अनाउंस हुआ, 2 मार्च को हुआ था, और 2nd अवार्ड जो अनाउंस हुआ उसके 15 दिन बाद हुआ। कौन MLA था, कौन मंत्री था? राकेश पठानिया। तो ये कैसी बात, कौन सी बात कर रहे हैं ये जो कुछ हुआ इनके कार्यकाल में हुआ, जो रेट्स हुए इनके कार्यकाल में हुए, एक ही जमीन के 2 अलग अलग रेट्स, जहां 7 लाख रुपये मरला रेट होना चाहिए था, वो 20-30 लाख रुपये मरला रेट मिला। ये कब हुआ? इनके कार्यकाल में हुआ। साथ ही अजय महाजन ने कहा, विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस अपना लोक धर्म निभा रही है, लिहाजा वन मंत्री अपना राज धर्म निभाएं। उन्होंने कहा, मंत्री आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में काम शुरू हुआ, लेकिन पहली 3A की पहली नोटिफिकेशन 9 मार्च 2018 को हुई थी और विधायक राकेश पठानिया थे। उन्होंने कहा, फोरलेन की जो भी प्रक्रिया हुई है वो भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई है और वन मंत्री अब इस मसले पर जनता को गुमराह कर रही है।